अगर आप भी एक नए क्रिएटर हैं, यानी कि आपने भी YouTube पे नया चैनल स्टार्ट किया है किसी भी कैटेगरी में, मतलब कि जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट हो उस कैटेगरी में आपने नया चैनल स्टार्ट किया, स्टार्ट आपने चैनल किया उसके बाद आपने वीडियोज भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही है, बट आपको वहाँ पे ऐसा लगता है, मतलब कि जब आप कुछ एक वीडियोज अपलोड कर देते हो तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस आपकी होती है कि अच्छे खासे व्यूज आने लगे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स आने लगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है। और इसके साथ साथ आपके दिमाग में ऐसी भी बातें आती होंगी, मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा, मेरे चैनल पर फटाक से 1000 सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा, ये सारी चीज़ें आप सोचने लगते हैं चैनल स्टार्ट करते के टाइम, यानी कि चैनल स्टार्ट किया और कुछ एक वीडियो अपलोड किया और इसके बाद ये सारी चीज़ें आप सोचने लगते हैं। बट इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं और वो कौन सी बातें हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपने नया चैनल क्रिएट किया है, अपना नया चैनल क्रिएट करने के बाद आप अपनी नई नई वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपके एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि आपके चैनल पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब कि व्यूज़ भी आने चाहिए, सब्सक्राइबर्स भी आने चाहिए, सब कुछ हो जाने चाहिए, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है जब आप चैनल स्टार्ट करते हैं नया नया। बट ऐसा होता नहीं है, मतलब कि सारी चीज़ें इसके अपोजिट हो जाती हैं। हम नए नए वीडियोज क्रिएट करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, अपलोड करते हैं, और जितनी मेहनत हमारी वीडियोज़ पर लगती है उसके अकॉर्डिंग व्यूज़ नहीं आते, ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर्स भी आप गेन नहीं कर पाते हो, तो आप अंदर से इरिटेट होने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, सिंपल सी बात, मैं आपको एकदम से जेन्युइन बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी, बट मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे अगर आपने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो आपको सारी चीज़ें करने के साथ साथ ही पेशेंस रखना भी आना चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने या फिर किसी ने भी अपना चैनल स्टार्ट किया हो और आज उसने स्टार्ट किया और आज स्टार्ट करते करते ही बस एकदम से उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए, वॉच टाइम कंप्लीट हो गए, मतलब सारी चीज़ें फटाक से हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। आपने अभी तक आप YouTube पे जितने भी चैनल्स देखते होंगे जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जितने भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तो वेट किया है, बहुत ही मेहनत की है अपने चैनल के ऊपर, और कभी भी किसी के भी कुछ भी कहने से उन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रखा, यानी कि निगेटिव बातों को अपने दिमाग से दूर रखा है, तभी वो आज इस लेवल तक पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आपने भी अपना नया YouTube चैनल स्टार्ट किया होगा तो आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स या फिर जो भी रिलेटिव्स वगैरह जो भी लोग होंगे तो कहते होंगे कि तुमने तो इतनी सारी मेहनत की, इतनी वीडियोज अपलोड कर दी और तुम्हारा चैनल तो बढ़ नहीं रहा, तुम ये चीज़ें छोड़ दो। ऐसी चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, आपको ये चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप ग्रो होंगे। ग्रो इसलिए होंगे क्योंकि जिस भी कैटेगरी में आपका चैनल है आप उस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कैटेगरी में आपकी वीडियो, कोई भी वीडियो, उसमें से कोई भी वीडियो जिस भी दिन थोड़ी सी वायरल हो गई, थोड़ा सा भी वो वीडियो आगे बढ़ गया, तो उस दिन के बाद से आपके चैनल की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं, सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। मेरा ही ये जो चैनल है जो आप अभी देख रहे हैं, इस पर आपको इतने सारे सब्सक्राइबर्स आपको दिख रहे हैं, बट उसके अकॉर्डिंग व्यूज़ नहीं है, तो क्या मुझे ये चैनल बंद कर देना चाहिए, या फिर इस तरीके की चीज़ें लोग बोलते भी होंगे बट मुझे उनकी बातों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं आपसे भी यही बातें कहना चाहूँगा कि आप भी लोगों की बातों को मत सुनो, ठीक है, आप जिन चीज़ों पर फोकस करके वर्क कर रहे हो उनके ऊपर अच्छे तरीके से वर्क करो, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ होती है कि आपने मान लीजिए कि अपना चैनल स्टार्ट किया आज ही, ठीक है, आज स्टार्ट किया, वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, तो आपको अपने चैनल पे कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू वीडियोज अपलोड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए कि 6 महीने का टाइम लगाया, 6 महीने में 10-20 वीडियोज अपलोड किए और आप बोलोगे कि मैंने तो 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में 10 से 20 वीडियोज अपलोड किए, कहाँ कुछ हुआ, मेरे चैनल पे कुछ हुआ ही नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चैनल्स को आगे बढ़ने में
साल, एक साल का टाइम लग जाता है, 2 साल का भी टाइम लग जाता है, 8 महीने का भी टाइम लग जाता है, मतलब कि वक्त लगता है। ठीक है, वक्त लगता है, रातों रात कोई चीज़ें फटाक से एक ही बार में नहीं हो जाती। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपने नया चैनल स्टार्ट किया है तो आपको करना क्या है कि अपने चैनल पे कंटिन्यू रहना है। कंटिन्यू रहने का मतलब ये कि आपको अपने चैनल पे हमेशा वीडियोस अपलोड करते रहना है। एटलीस्ट कम से कम इतना टाइम जरूर निकाले कि एक सप्ताह में कम से कम 3 वीडियोस तो जरूर अपने चैनल पे अपलोड करें। जब आप नए हैं, ठीक है, आप नए हैं, अपने चैनल को आगे ले जाना है, तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपका चैनल जिस भी कैटेगरी में है, जिस भी कैटेगरी में आप वीडियोज़ बना रहे हो, तो उस कैटेगरी के जो और भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, मतलब कि उनकी वीडियोज आप देखिए। ठीक है, तो आपको देखने से ये समझ में आएगा कि अभी के टाइम में, यानी कि जो करंट टाइम चल रहा है, इस टाइम में किस तरीके की वीडियो चल रही हैं, कौन सी वीडियोज लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो आपको भी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करना है अपने खुद के चैनल पर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और ये सारी चीज़ें कर लेते हो जब आप, यानी कि आपने अपनी अच्छे तरीके से वीडियोस भी शूट की, एडिट भी किया, अच्छा सा थंबनेल भी बनाया, अच्छा सा SEO भी किया, सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से करके अपने वीडियो को YouTube पे पब्लिश किया है, तो उसके बाद अब आपको पेशेंस रखना ही होगा। क्योंकि ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस कहीं से भी घुमा फिरा कर कुछ बना लिया और उसको मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस बेस पे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे चैनल्स पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनको मैंने अपने चैनल पे पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद महीने तक उस वीडियोज़ पे कोई व्यूज़ नहीं, मतलब कि 100, 500, 1000 तक व्यूज आए, बट वही वीडियोस 2 महीने बीत जाने के बाद धीरे धीरे ग्रो हुई और वही वीडियोस आज के टाइम में 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं उन वीडियोस पे, किसी पे वह 1 मिलियन भी है, मतलब कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है तो पेशेंस रखें। ठीक है, पेशेंस आपको रखना है, इंतज़ार आपको करना ही होगा, आपका चैनल ग्रो होगा। और इस चीज़ के लिए आपको खुद के ऊपर विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की बातें मत सुने, क्योंकि लोग आपको निगेटिव के अलावा पॉजिटिव थॉट नहीं देने वाले। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए, लोगों की बातों पर नहीं। ठीक है, और आप जब भी नया चैनल स्टार्ट करते हैं तो कम से कम उसको 1 साल का टाइम जरूर दीजिए। 1 साल कहने का मतलब है कि उस पर कंटिन्यू अच्छे अच्छे वीडियोज पोस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने आज चैनल स्टार्ट किया, 10-12 वीडियोज 20 वीडियोज अपलोड कर दिया और 10-12 वीडियो के अंदर में ही आपने पूरा साल गुजार दिया, फिर आप बोलोगे कि मैंने तो 1 साल तक वेट किया, मेरे चैनल का कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, अचानक से सारी चीज़ें हो नहीं जाती है। ठीक है, तो आपको अपने चैनल पे पूरी तरीके से ऑनेस्ट होकर के वर्क करने की ज़रूरत है, आपका चैनल ग्रो जरूर होगा। ठीक है, खुद के ऊपर बिलीव रखिए और अपने कंटेंट के ऊपर फोकस कीजिए। और फालतू की चीज़ें जो होती हैं, मतलब कि चैनल पे फटाक से सब्सक्राइबर्स कहाँ से ले आएँ, व्यूज़ कहाँ से ले आएँ, इन चीज़ों को सर्च करने से, इन चीज़ों को ढूंढने से बचें। इससे बेहतर आपको ये करना है कि आप अपने वीडियोज़ के लिए ये चीज़ें ढूंढें इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ें ढूंढें, ऐसी वीडियोज़ ढूंढें कि जिनमें, जिनसे आपको ये पता चल पाए कि अपनी वीडियोज़ को कैसे और बेहतरीन बनाया जाए, अपनी वीडियो को अपने कंटेंट में और किस तरीके से अच्छी एडिटिंग की जाए, किस तरीके से उसकी स्क्रिप्टिंग की जाए। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप सारी चीज़ें करते हो, यानी कि इन चीज़ों को अगर आप सीखते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें ढूंढते हैं कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, मतलब कि इसके जेन्युइन चीज़ें कुछ एक हैं, कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वर्क करती हैं, बट उन चीज़ों को देखने के बाद भी आप कुछ एक चीज़ें ढूंढते रहते हैं, कोई जुगाड़ ढूंढते रहते हैं, वो फालतू की चीज़ें हैं, उनसे आपका नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे फिर सिर्फ और सिर्फ यही बातें कहना चाहूँगा कि आप खुद के ऊपर बिलीव कीजिए और खुद के ऊपर बिलीव करके अपने चैनल पे पूरी ईमानदारी के साथ वर्क कीजिए। आज नहीं तो कल आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा। बस आपको इंतज़ार उस घड़ी का करना है जिस टाइम में आपकी कोई भी वीडियो वायरल होती है। जिस भी दिन आपकी कोई भी वीडियो थोड़ी सी भी वायरल हुई, आपका चैनल उसी दिन से धीरे 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 आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जो भी बातें कही उन चीज़ों के ऊपर एक बार जरूर सोचिएगा और उन चीज़ों को, उन बातों को अपने दिमाग में रख करके अपने YouTube चैनल पे वर्क कीजिएगा। ठीक है, और आपको YouTube वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके के और सवाल करने हैं, और सवाल जो हैं जो आपके मन में चल रहे हैं, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और कि अगर आप अच्छी वीडियोस बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उस वीडियो का अच्छा SEO करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छा सा SEO अपनी वीडियोज़ के लिए किस तरीके से करते हैं, उसके लिए आपको एंड स्क्रीन पर एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को ज़रूर
देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।